हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। और डेटा में हमें गिवन है 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 एंड 14। हमें इस डेटा का मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए कहा गया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी डेटा का मीडियन फाइंड करना होता है तो हम उस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब इस डेटा में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इस डेटा में सबसे छोटा नंबर है 12। और 12 कितनी बार आया है? 12 एक बार यहाँ पर आया है और एक बार यहाँ पे, यानी 12 दो बार आया है। तो यहाँ पर हम 12 को दो बार लिखेंगे। अब 12 से बड़ा नंबर जो इस डेटा में है वो है 13। और देखिए 13 कितनी बार आया है? एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो 13 भी यहाँ दो बार आया है, तो 13 को हमने यहाँ दो बार लिखा। 13 से बड़ा नंबर इस डेटा में है 14। और 14 कितनी बार आया है? एक दो तीन, तीन बार 14 आया है। तो यहाँ पर हमने 14 को तीन बार लिखा। इस डेटा में 14 से बड़ा नंबर है 16। और 16 कितनी बार आया है? एक बार। तो 16 को यहाँ पर हमने एक बार लिखा। 16 से बड़ा नंबर इस डेटा में है 19। और 19 कितनी बार आया है? एक बार। तो 19 को भी यहाँ हमने एक बार लिखा। अब हमने इस डेटा को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब हम सबसे पहले इस डेटा का मोड फाइंड करेंगे। मोड क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है वही वैल्यू उस डेटा का मोड होता है। तो इस डेटा में आप चेक कर सकते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। 14, 14 यहाँ पर तीन बार आया है। तो क्योंकि 14 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इस डेटा में, तो इस डेटा का मोड क्या होगा? 14। तो यहाँ पर हमने लिखा मोड इज इक्वल टू 14। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर डेटा को हम पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि इस डेटा में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है 9। तो यहाँ पर हमने लिखा n इज इक्वल टू 9, विच इज़ ऑड, क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी n ऑड होता है तो मीडियन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे th टर्म। अब ये मीडियन यहाँ पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। n की जगह यहाँ हम लिखेंगे 9, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 9। प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 1 भी यहाँ एज इट इज आएगा, अपोन में जो ये 2 है ये यहाँ पर अपोन में एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे और टी एच टर्म भी यहाँ एज इट इज लिखेंगे। अब 9 प्लस 1 10 होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 10, अपोन में जो ये 2 है ये यहाँ पर एज इट इज आएगा, ब्रैकेट भी एज इट इज लगाएंगे और टी एच टर्म भी एज इट इज लिखेंगे। अब ये 10 और 2 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 2 से काटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2 वन द 2 एंड 2 फाइव द 10। तो अब हमें यहाँ पर मिल गया है फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमें मीडियन नहीं मिला है। फिफ्थ टर्म का मतलब ये है कि डाटा को जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था तो उस डाटा में फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू है वही वैल्यू मीडियन होगी। अब हम चेक करते हैं कि डाटा को जो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था यहाँ पर फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आ गई है? 14। तो 14 ही इस डाटा का मीडियन है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है मीडियन इज इक्वल टू 14। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।